कृषि विधेयक सहित विभिन्न कृषि कानूनों के विरोध के चलते पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों का आंदोलन उग्र ही होता जा रहा है। आंदोलन के तीसरे दिन दिल्ली पहुंचे किसानों ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वह दिल्ली का मेन हाईवे जाम करके आवाजाही पूरी तरह से बंद कर देंगे। मेन हाईवे जाम करने की खबर से दिल्ली पुलिस के अफसरों में खलबली सी मच गई है। किसानों का कहना था कि जैसे उनकी कमेटी कहेगी किसान वही करेंगे। रविवार को भारी मात्रा में ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों से किसानों के कई संगठन बॉर्डर पहुंचे। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में कई जगहों पर भारी फोर्स तैनात है, लेकिन किसानों के तेवर के आगे पुलिस के पसीने छूटते दिखाई दिए। अलग अलग राज्यों से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे किसानों को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछारें, आंसू गैस और कुछ जगहों पर लाठी भी चलाई गई, लेकिन दिल्ली की ओर किसानों के बढ़ते कदम पीछे नहीं हटे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि दिल्ली आने वाले करोड़पतियों के लिए लाल कालीन बिछाई जाती है, जबकि किसानों के आने पर रास्ते खोद दिए जाते हैं। पुलिस द्वारा किसानों पर हो रही लाठीचार्ज की राहुल और प्रियंका गांधी ने कड़ी निंदा की है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।